जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अंडर ऑफ सीएबीएफ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, बेल आइकन का बटन इसलिए कि फ्यूचर में कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है या उनके एडमिट कार्ड से रिलेटेड, सारी इंफॉर्मेशन आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पर मिल सके। इसलिए दोस्तों, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। बच्चे मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि सर, एसएसबी में जो इलेक्ट्रिशियन है उसका किस टाइप का जॉब प्रोफाइल है और क्या सैलरी है, उससे रिलेटेड सर एक वीडियो बनाए। तो इसलिए मैं ये वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। बाकी कुछ बच्चे ऐसे मिनिस्टर से रिलेटेड भी चीजें पूछ रहे थे कि सर, उसमें जो है टेस्ट कैसा होता है, कैसा क्या क्या जो सिलेबस है या क्या क्या फिजिकल है, उससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए जरूर वीडियो लेकर आऊंगा बहुत ही जल्द। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करें तो सभी को पता लग सके कि एस सी इलेक्ट्रिशियन की जॉब प्रोफाइल या किस टाइप की है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल में हेड कांस्टेबल जो इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी अभी निकली थी वो 2023 में ये वैकेंसी दोस्तों निकली थी। ठीक है, और काफी चीजें इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो एस सी इलेक्ट्रिशियन है वो सब इंतजार कर रहे हैं जो भी है अपॉइंटमेंट वगैरह का। तो जॉब प्रोफाइल में आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको बताऊंगा, जॉब प्रोफाइल किस टाइप का। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा अकोमोडेशन किस टाइप का है। ठीक है, किस टाइप का अकोमोडेशन आपको मिलता है, कहाँ रहना पड़ता है, मतलब बटालियन लेवल पे रहना पड़ता है या बीओबी लेवल पे रहना पड़ता है या फिर आपको कंपनी लेवल पे रहता है। फोर्थ, आपको मैं बताऊंगा फैसिलिटीज के बारे में, फैसिलिटीज। ठीक है, फैसिलिटीज के बारे में बताऊंगा। फाइव मैं बताऊंगा आपको जो मेडिकल मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटी। उसके बाद कैंटीन फैसिलिटी, फैसिलिटी। उसके बाद सेवन बताऊंगा आपको सैलरी के बारे में। ठीक है, सैलरी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, जॉब प्रोफाइल की बात की जाए तो जो इलेक्ट्रिशियन की जो जॉब है वो काफी अच्छी है, बेहतर है। देखिए मैं क्या हूँ, इसमें क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं इनका काम क्या होता है कि जैसे कोई बटालियन के अंदर अगर ये डिप्लॉयड है, ठीक है, बटालियन के अंदर इसकी दोस्तों एक ही वैकेंसी रहती है, मतलब एक इलेक्ट्रिशियन आपको एक बटालियन में मिलेगा ओनली। ठीक है, तो काफी कम मतलब कैंडिडेट एक ही रहता है, तो उस हिसाब से देखो काफी डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिशियन में कोई भी फॉल्ट होता है या कुछ आपको या पंखा वगैरह लगाना है या फिर कोई जो है आपको कोई स्विच वगैरह लगाना है, तो हर चीज जो काम होता है वो इलेक्ट्रिशियन का ही होता है। यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रिशियन को एक कैंडिडेट भी एक बंदा मतलब दे दिया जाता है उसके हेल्प के लिए। ठीक है, एक कॉन्स्टेबल जी डी वगैरह है वो दे दिया जाता है जो उसकी हेल्प कराता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर साथ में काम करते रहते हैं। ठीक है, बाकी देखो काम का लोड मैं बताऊँ आपको तो काम का लोड बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ना के बराबर समझो का, मतलब नॉर्मल जब कोई वैसा काम होता है तभी आपको काम करना पड़ता है, जैसे कोई फॉल्ट हो गया या कहीं जैसे कोई लाइट वगैरह नहीं आ रही है। ठीक है, या फिर किसी जो कोई स्विच वगैरह वो खराब हो गया तभी आपको करना पड़ता है, उसके बजाय आपको कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, नॉर्मली अपना जो है बैठे रहो। ठीक है, उसके बाद अगर ये पंखे वगैरह खराब हो जाते हैं तो उनको थोड़ा देख लेते हैं, अगर जैसे लगता है कि भैया ये मेरे से ठीक नहीं हो पाएगा पंखा वगैरह, तो इसको क्या करता है वो बाहर के लिए मतलब भेज देता है कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, बाहर ही इसको करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से इसका जॉब प्रोफाइल है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक अगर देखा जाए तो इनका जो जॉब प्रोफाइल इस टाइप का है कि सुबह जैसे पीटी हो गई, पीटी करने के बाद दोस्तों ये अपने वर्क के लिए चले जाते हैं जैसे 8:30 बजे जो भी है, तो उसके बाद जो भी 2-1 घंटे का काम होता है वो करते हैं, तो 10:30-11 बजे फ्री हो जाते हैं। उसके बाद ये अपना आराम करते हैं, 11 बजे के बाद आराम करने के बाद फिर 2-2.5 बजे फिर एक जो है फालन होता है, फालन में फिर जाते हैं, फालन के बाद उसके बाद ये अपने 4-5 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद फिर रोल कॉल हो जाता है और उसके जस्ट बाद फिर इनका बस अरेस्ट हो जाता है। तो कोई ज्यादा वर्कलोड का वो नहीं है ऑप्शन। ठीक है, मुझे काफी ठीक लगी, इलेक्ट्रिशियन का जो जॉब है वो ठीक है। बाकी दोस्तों थोड़ा सा बस यही है कि इलेक्ट्रिशियन जिस टाइप से करंट का काम है थोड़ा सा वर्क थोड़ा सा इस टाइप का ही है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों अकोमोडेशन, अकोमोडेशन किस टाइप का मिलता है। देखो दोस्तों, इनको जो फैसिलिटी है बटालियन लेवल की मिलती है,
ये कभी कंपनी या बीओपी वगैरह में नहीं जाते हैं, तो अकोमोडेशन रियली सी बात है कि ठीक ही होगा, क्योंकि देखो जो भी कंपनी जो भी बटालियन जो रहती है, बटालियन हमेशा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहती है, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बटालियन रहती है, वहां पे सारी अकोमोडेशन सारी चीजें सुविधाएं की कोई फैसिलिटी मिलती है, सारी सुविधाएं, ठीक है, तो फैमिली वगैरह भी अपना रख सकता है यहाँ पे, फैमिली परमिशन वगैरह होती है, कहीं कभी भी फैमिली वगैरह रख सकता है, कोई इश्यू यहाँ पर रहने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बटालियन बीओपी या कंपनी, देखो बीओपी और कंपनी में कभी कभी विजिट करना पड़ सकता है, जैसे कुछ ज्यादा ही खराब हो गई हो, वायरिंग वगैरह जो भी है, लेकिन वैसे कंपनी या बीओपी में विजिट नहीं करते हैं, लेवल ये बटालियन लेवल पर ही रहते हैं, तो बटालियन लेवल पे इन पर काफी अच्छा काम रहता है, ठीक है, और अपना बटालियन लेवल पे रहकर सारी फैसिलिटीज के जो है ये मतलब ले सारी फैसिलिटी को ले सकते हैं, ठीक है। तो आगे है फैसिलिटीज, देखिए फैसिलिटीज में मैं आपको बताऊंगा, तो बीओपी कंपनी जो होता है वहां पर क्या होता है, लाइट की समस्याएं होती हैं, आने जाने की समस्याएं होती है, ड्यूटी जाना पड़ता है, और वहां पर क्या है होता है कि इतना अकोमोडेशन नहीं होता है, ठीक है, जैसे पानी की भी समस्या हो जाती है, बाहर से पानी मंगाना पड़ता है, अगर बाहर ड्यूटी जाना है तो ड्यूटी के लिए भी ऑटो वगैरह करना पड़ता है, जो भी है मतलब जो भी ये चीजें हैं वो करनी पड़ती हैं। लेकिन क्या होता है बटालियन लेवल पे अगर इंटरनल तो वर्क होता ही है, तो यहाँ पर इनका जो अकोमोडेशन है वो काफी अच्छा रहता है, फैसिलिटी सारी बटालियन के अंदर आपको मिल जाती है, चाहे वो मैस की हो, चाहे वो आपकी लाइट की सुविधा हो, लाइट तो वहां पर जाती ही नहीं है, अगर लाइट जाती भी है तो वहां पे जनरेटर वगैरह भी रहता है, बाकी जनरेटर वगैरह तो आपका बीओपी कंपनियों में भी रहता है, लेकिन उसको ज्यादा चलाते नहीं है, लाइट वगैरह क्या है कि वहां पर तो बीओपी वगैरह में काफी सुबह से लेकर शाम तक या रात को भी नहीं आती है, कई बार ऐसा भी हो जाता है, लेकिन वहां पर क्या है थोड़ा बहुत 2-3 घंटे के लिए वो अपना जनरेटर वगैरह चलाते हैं, ज्यादा टाइम वहां पे मिलता नहीं। तो फैसिलिटीज में ठीक है आपका इलेक्ट्रीशियन काफी अच्छा है। उसके बाद देखो दोस्तों मेडिकल फैसिलिटी के बारे में मैं बताना चाहूंगा, मेडिकल फैसिलिटी दोस्तों एक बहुत अच्छी है, इसमें एक सीएपीएफ का कार्ड है, जिसके जिससे अब आजकल कार्ड जो है कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है, कोई भी इमरजेंसी ग्राउंड पे, ठीक है, इमरजेंसी ग्राउंड पे क्या है कैशलेस जो है ट्रीटमेंट हो जाता है सीएपीएफ में, अगर आपने रेफर करवाया है तो भी कैशलेस आपका जो है ट्रीटमेंट हो जाता है, तो मतलब काफी अच्छी सुविधाएं कर दी गई है मेडिकल फैसिलिटीज की, और अगर आप कहीं पे पैसा देते भी हो तो उसको क्लेम करने के लिए भी आपकी जो है ऑनलाइन जो सुविधा है वो भी करा दी गई है नेशनल हेल्थ एजेंसी के थ्रू, ठीक है, एनएचए में एक जो साइट है पीएनजे, ठीक है, तो उसके साथ मतलब जो एक आयुष्मान है आयुष्मान सीएपीएफ के थ्रू आप जो है क्लेम भी कर सकते हो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई भी आप ये क्लेम कर सकते हो। बाकी आगे मैं बताता हूँ यहाँ पर कैंटीन फैसिलिटी के बारे में, कैंटीन फैसिलिटी में आपको लीकर की फैसिलिटी मिलने वाली है, और जो आप घर का रोज का जो भी सामान होता है ग्रोसरी का आइटम्स वगैरह, या फिर आप कोई फ्रिज लेना चाहो या कोई नई कोई बाइक लेना चाहो, तो सभी के लिए एक जो है कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि बाहर मार्केट रेट से काफी अच्छी है, ठीक है, और इसकी जो लिमिट है दोस्तों जैसे ग्रोसरी आइटम की जो लिमिट है वो आपकी 8,000 रुपए रहने वाली है, ठीक है, तो यहाँ पर जो लीकर की सुविधा है वो भी रहने वाली है, जो एक सीएलएमएस सॉफ्टवेयर जो होता है उसके थ्रू जो मिलती है, और यहाँ पर आपको 6 बोतलों तक ये उपलब्ध है ये वाली सुविधा, ठीक है, तो 6 बोतल तक आप जो है लीकर अपना ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों बताता हूँ सैलरी के बारे में, ठीक है, बाकी सैलरी के बारे में ये मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, ठीक है, बाकी प्रमोशन से रिलेटेड चीजें मैं एक बार आपको बता देता हूँ, प्रमोशन दोस्तों इसमें बिल्कुल भी नहीं है, कतई भी इसमें प्रमोशन नहीं है, मतलब आप अगर हेड कांस्टेबल जा रहे हैं तो हेड कांस्टेबल ही इलेक्ट्रीशियन वहां पर रहने वाले हो। तो दोस्तों यहाँ पर अब अगली जो है बात करते हैं हम पे स्केल के बारे में, सशस्त्र सीमा बल में हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के जो पे स्केल है वो क्या होता है, तो यहाँ पर दोस्तों पे स्केल जो लेवल होता है यहाँ पर लेवल 4 होता है, और पे स्केल 25,500 आपका बेसिक पे यहाँ पे होता है। उसके बाद जो तो दोस्तों जो डीएनए अलाउंस है वो 12,750 आपको मिलता है, 12,750 डीए आपको यहाँ पर दिया जाता है, वहीं टीपीटी आपको 3600 रुपए दी जाती है, मैं एक तरह से एक्स क्लास सिटी का जो है लगा के चल रहा हूँ, ठीक है, वो देख लेना आप, तो डीए और टीपीटी आपको मिलता है 1800 रुपए, टीपीटी आपको 3600 रुपए। उसके बाद दोस्तों एचआरए हाउस रेंट अलाउंस 7,650 रुपए आपको दिया जाता है, मैस कटिंग
4425 रुपए आपको जो है दोस्तों दी जाती है, उसके बाद राम अलाउंस आपको दिया जाता है 90 रुपए, उसके बाद सॉप अलाउंस 56 रुपए, और जो है जो बार्बल अलाउंस है वो 56 रुपए दिया जाता है। लगभग जो आपका टोटल ग्रॉस पेमेंट बनता है वो बनता है 55,927, लगभग 56,000 के आसपास एक जो नॉर्मल कैंडिडेट अगर लगता है तो उसका सैलरी लगभग बनता है, ठीक है, ग्रॉस पेमेंट में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों अलग से जो अलाउंसेज है, जैसे कि ANO का अलाउंस होता है 12,500 रुपए, उसको आप जोड़ना चाहो तो यहाँ पे जोड़ सकते हो, तो उसके एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। बाकी बॉर्डर अलाउंस है तो 7500 रुपए बॉर्डर अलाउंस यहाँ पे मिलता है, अगर जम्मू वगैरह में है तो 21,500 आपको अलाउंस मिलता है। मतलब जो पे आपका रहने वाला है वो काफी अच्छा रहने वाला है, मतलब पे आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है, अगर आप ANO या फिर कैसे नक्सलाइट एरिया वगैरह में जो भी है रहना चाहते हो तो वहां पर आप अलाउंस से ज्यादा भी ले सकते हो और पे आपका बहुत अच्छा बन सकता है। तो दोस्तों एक नए कैंडिडेट के लिए इतना पे पाना तो दोस्तों बहुत ही मतलब एक तरह से कहें तो, एक हिसाब से कहें तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, इतने पे में वो बहुत ही खुश रहेगा, ठीक है, कोई इश्यू रहने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये लगभग ये जो पे है एक लगते हुए कैंडिडेट की बन जाती है, और फिर उसके बाद जैसे जैसे उसकी जो है एज होती रहती है, जैसे जैसे उसका जो टाइमिंग होता रहता है जॉब में, जैसे साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, तो हर साल वहां पे इंक्रीमेंट आपको दिया जाता है, और प्लस में DNS अलाउंस, तो DNS अलाउंस है वो दिया जाता है, मतलब महंगाई जो भत्ता होता है वो दिया जाता है। तो साल में एक बार आपको इंक्रीमेंट मिलता है और साल में 2 बार आपको DA मिलता है, DNS अलाउंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो पे है वो बढ़ती जाती है। तो दोस्तों अब ये आखिरी जो चीज है प्रमोशन, तो दोस्तों प्रमोशन यहाँ पर नहीं है, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन हमेशा हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन ही रहेगा, उससे आगे वो नहीं पढ़ पाएगा। तो दोस्तों ये था हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन का जॉब प्रोफाइल एंड सैलरी स्ट्रक्चर, ठीक है, जो भी बच्चे देखना चाहते थे वही ये चीजें हैं जो बच्चा पूछ रहे थे, ठीक है, काफी बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसका क्या क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, क्या प्रमोशन रहेगा। तो दोस्तों ये चीजें यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी को पता लग सके कि क्या सैलरी हमको मिलने वाली है और क्या हमारा जो है प्रमोशन वगैरह होने वाला है या नहीं होने वाला, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद।